ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಟೀಚರ್ ಕಸನ್ ಮ್ಯಾಮ್ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों आप कैसे हो? मैं खैरियत से हूँ, अल्लाह ताला आपको भी खैर व आफियत से रखें। मेरा नाम कौसिया बेगम है, सरकारी उर्दू लोअर प्राइमरी स्कूल पीके हल्ली, तालुका हॉस्पेट और ज़िला बल्लारी। प्यारे बच्चों आज का हमारा मज़मून है माहौलियाती मुतालिया सबक नंबर 13 हिस्सा सुवम। ये सलाहियतें आपके लिए, आज के लिए सलाहियतें हैं सेहतमंद आदत अपनाओगे। प्यारे बच्चों आज तक हमने हिस्सा अव्वल और हिस्सा दुवम के बारे में मालूमात हासिल की है, अब हिस्सा सुवम से मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। अब हम हिस्सा अव्वल और हिस्सा दुवम की सलाहियतों को एक बार फिर से दोहराएंगे। अब तक हमने अंदरूनी अज़ा और बैरूनी अज़ा के बारे में पहचान, इनकी मालूमात हासिल कर चुके हैं, जैसे आँख, कान, नाक, जबान, जिल्द, ये तमाम अज़ा दिखाई देती हैं, यानी ये बैरूनी अज़ा हैं। दिल, फेफड़े, गुर्दे, हवाई नाली और हड्डियाँ का ढांचा और ये तमाम जिल से ढके होते हैं। अमले हाजिमा, तनफ्फुस, अमले दौरान खून, मरी, छोटी आंत, बड़ी आंत, इसके बारे में हमने अब तक जाना है। चलिए देखते हैं आगे की सरगर्मी में कौन सी मालूमात छुपी हुई हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो जिस्म के अंदर रहने वाले आज़ा हैं। दिखाई देने वाले और ना दिखाई देने वाले हर एक आज़ा एक मशीन की तरह काम करते हैं। ये सबक गौर से देखोगे और सुनोगे तो आपको मालूमात हासिल करोगे। आँख अशिया को देखने में मदद करती है, कान आवाज़ को सुनने में मदद करते हैं, नाक सूंघने में मदद करती है, जबान जायका जानने में मदद करती है, जिल्द गर्मी और सर्दी को महसूस करने में मदद करती है। आँखें बसरी निज़ाम की असास हैं, ये ताज़ा बिजली की रोशनी में हल्की तवानाई को तब्दील करते हैं। दूसरे आज़ा ये हिस्से में ये आज़ा यानी आँख बहुत छोटी होती हैं, लेकिन ये कैमरा नुमा होती हैं। आँखें हमारे आँखों के सामने आने वाले हर मंजर को हम देखते हैं। कान सुनने की सलाहियत रखता है। इंसान की पांच बुनियादी हिस्सों में से ये समात या सुनने की कुव्वत वो हिस्सा जिसकी मदद से आवाज़ को महसूस किया जा सकता है। आवाज़ या इरताश की अपनी एक शनाख्त होती है जो हम सुन सकते हैं। नाक की तारीफ में ये कहा जा सकता है कि ये वो कुव्वत हिस्सा है जिसके ज़रिए हम सूंघते हैं और सांस लेते हैं। अगर दर हकीकत ये एक तरह की रुतुबतें झिल्ली का इस्तेमाल होता है। नाक में बाल भी होते हैं जो मज़र ज़र्रात को नाक के अंदर जाने से रोकते हैं। ज़बान ये हिस्से आज़ा सबसे अहम अज़ू भी है जिसकी मदद से वो खाने के जायके में फ़र्क कर सकता है। ये ज़बान की खुसूसी जिस्मानी साख्त की वजह से मुमकिन होती है। ज़बान कुलियों से ढकी होती हैं जो औरत को किसी ख़ास खाने के जायके का तायिन करने की इजाज़त देती है। ज़बान बातचीत करने के लिए भी मदद करती है।
जिल्द, जिल्द वो हिस्सा है जो गर्मी और सर्दी को महसूस करता है और अंदर से पसीने निकालने का हिस्सा है। हड्डियाँ, हम जिस्म के उजलात और हड्डियों को देख नहीं सकते जो जिल्द से ढके हुए हैं। जिल्द हमारे जिस्म की हिफाजत करती है। हड्डियाँ उजलात एक जा होकर जिस्म को शक्ल और साख्त देते हैं और हड्डियाँ जिल्द से ढकी हुई होती हैं। इस ढांचे में 206 हड्डियाँ होती हैं। याद रखें, हड्डियों के ढांचे में इंसान के 206 हड्डियाँ होती हैं। तनफ्फुस, जो हम नाक के ज़रिए हवा अंदर लेते हैं, इस गैस का नाम ऑक्सीजन है। जो नाक के ज़रिए हवा खारिज करते हैं, इस गैस का नाम कार्बन डाइऑक्साइड है। यानी ये हवा के फेफड़ों तक पहुंचती है। ये वहां से फेफड़ों को फैलाकर गंदी हवा बाहर लाती है। तो बाहर लाने वाली गैस का नाम कार्बन डाइऑक्साइड है। अमल हाजिमा, इस निज़ाम में हाजिमा में ये खाने में ग़िज़ाई अज़ा के हुसूल प्रोसेसिंग का अमल, हाजिमा और जज्ब अमल में शामिल तमाम अज़ा पर मुश्तमिल है। इसके अलावा फुजला मादा से बाहर निकालने में सालसी करने के अलावा अमल हाजिमा निज़ाम की तश्कील करने वाली अहम ढांचे मुंह, थूक, गुदूद, ग़िज़ाई नाली और लबलबा, जिगर, छोटी आंत, बड़ी आंत और मकाद के अज्ज़ा हैं। दौरान खून और इखराज, ये निज़ाम जिस्म में खून की गर्दिश को कायम रखता है और खून की ये गर्दिश की मदद से तमाम जिस्म के खुलियात तक इनके लिए अहम कीमियाई मुरक्कबात और जो दिल और इससे निकलने वाली रगों के साथ खून की गर्दिश का निज़ाम तश्कील देती है। तुम खुद करके देखो, तुम्हारा हाथ सीने पे रखो, आहिस्ता से सांस लो और छोड़ो, तुम क्या महसूस करोगे। तुम करके देखो, इनके नाम लिखें, नाक, हवाई नाली और फेफड़े, ये अपने नोटबुकों में दर्ज कर लें। मालूम कर लो कि इन आदतों पर अमल करें। ये जो आप देख रहे हैं, इन आदतों को ज़रूर अमल करें। जैसे गुसल करते वक्त मुंह और नाक को साफ करो, क्योंकि जब नाक साफ ना करने की सूरत में नुकसान हो सकता है। नाक में जरासीम मौजूद होते हैं, इसीलिए नाक हमेशा साफ रखना ज़रूरी है। और नाक के नथनी में बाल होते हैं, वो बाल गंदे जरासीम को जाने से रोकते हैं और सर्दी लगने की इम्कानात भी होते हैं। नाक हमेशा पाक को साफ रखें। सोते वक्त मुंह को मत ढको, क्योंकि मुंह पर ढकने से ताज़ा हवा अंदर आना रुक जाती है। जब हम सांस लेते हैं तो वो ताज़ा हवा यानी ऑक्सीजन कहलाती है। अगर मुंह पर ढक देंगे तो जो हमारी सांस बाहर निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड कहलाती है। तो फिर वही हवा कार्बन डाइऑक्साइड फिर सांस लेने के साथ जाती है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाती है। धूल, गुर्द और गुब्बार वाली जगह से गुजरते हुए इस बात का ख्याल रखो कि नाक में दाखिल ना हो पाए। तुम हमेशा गुर्द और गुब्बार यानी धूल को बचाने के लिए हमेशा मास्क पहना करो, क्योंकि जायज़ा हवा की आलूदगी जब गैसों, ज़र्रात और हयातियाती मादों का नुकसानदा या हद से ज़्यादा मकदार में ज़मीन की फ़िज़ा में दाखिला लिया जाता है। बीमारियों और एलर्जी, यहाँ तक के इंसानों को मौत का सबब भी बन सकता है। इसलिए हमेशा मास्क पहना करो। जब आप रास्ते में जाते हो, घर से बाहर निकलकर ख्याल रखें कि धूल और गुर्द गुब्बार से, और मास्क पहनते हुए चलते रहें।
खाना खाते वक्त और पानी पीते वक्त जल्दी मत करो, वरना इंसान को नुकसान पहुंच सकता है। जब भी खाना खाते वक्त या पानी पीते वक्त आहिस्ता से खाया करो और आहिस्ता से पानी पिया करो। इनके जो आदाब होते हैं, इन आदाब का इस्तेमाल करते हुए आप खाना खाओ और पानी पीते रहो। जब आप भी पानी पीते हैं तो बैठकर आहिस्ता से पिए। जब बच्चा ज़्यादा खेल कूद में थक जाता है तो बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, तो इसी वक्त आराम से और आहिस्ता से पानी पिए ताकि नुकसान से बच सको। धुएं से अपने आप को दूर रखो। अगर तुम्हें सांस लेने से मुतालिका बीमारियां हो सकती हैं, कम अज़ कम दिन में एक मर्तबा सीधे बैठकर 10 मर्तबा गहरी सांस लो। इसे रोज़ाना मशक करो और वर्जिश हमेशा करते रहो। कलम और खरिया जैसे अशिया को नाक में मत डालो। मुंह के ज़रिए सांस मत लो। खांसते या छींकते वक्त मुंह पर दस्ती रखो। इससे सर्दी के जरासीम को हवा में दाखिल होने से रोका जा सके, वरना जरासीम हवा में फैल जाते हैं। इससे पहले आपको इन तमाम नुकात के मुताबिक समझाया गया है, आप देखते रहें और इस पर अमल करते रहो। अमले दौरान कौन, क्या आप जानते हो कि जिस्म के तमाम हिस्सों में खून का दौरा होता है। जिस्म के तमाम हिस्सों को खून पंप करने वाला अहम अज़ू दिल है। आप दिल महज खून पंप करने का आला है। इंसानी जिस्म में 4 अहम नालियाँ होती हैं, ये खून को बाहर निकालती हैं। वो खून होता है जो जिस्म के बाकी हिस्सों की तरफ जाता है। दिल का धड़कना लप डप की आवाज़ होती है। दिल के साथ छोटी छोटी खून की वरीदें भी मुंसलिक होती हैं जो दिल के लिए खून जमा करती है। दिल एक मिनट में कितनी मर्तबा धड़कता है? दिल एक मिनट में 70 मर्तबा धड़कता है। साइंसदानों का कहना है कि 60 से लेकर 100 मर्तबा दिल धड़कने के इम्कानात होते हैं। दिल ये शंकनुमा होता है। यहाँ पर जो तस्वीर आप देख रहे हो, दिल और शंक एक साथ हैं, यानी दिल शंकनुमा होता है और बाएं हाथ की मुट्ठी के बराबर होता है और खून का रंग लाल यानी सुर्ख होता है। अनीमिया या खून में सुर्ख जर्रात की कमी की वजह क्या है? अनीमिया का मर्ज हेमोग्लोबिन या खून में सुर्ख जर्रात की कमी की वजह से पैदा होता है। ये हेमोग्लोबिन खून के जर्रात में आयरन वाली प्रोटीन से भरा मादा होता है जो कि ऑक्सीजन को जिस्म के खुलियों तक पहुंचाने में मदद देता है। याद रखें, जिस्म की सेहत ताज़ा करने के लिए पानी ज़्यादा पिएं और फल फलारी खाने की कोशिश करें और कच्ची तरकारियाँ खाते रहें जैसे ककड़ी, गाजर वगैरह। डॉक्टर दिल की धड़कन की जांच कैसे करते हैं? दिल की धड़कन जानने के लिए डॉक्टर जिस आला का इस्तेमाल करते हैं, इसकी तस्वीर यहाँ पर भी दी गई है। इस आला का नाम यहाँ लिखें और देखें, स्टेथोस्कोप है। स्टेथोस्कोप यानी बीमारी की तशखीस के लिए एक समाती आला डॉक्टरों का एक आला है जिससे सीने की आवाज़ें सुनते हैं। अमले हाजिमा, जो तुम गिज़ा खाते हो वह गिज़ा कौन कौन से आज़ा तक पहुँचते हैं? मुंह, हलक, मरी, मैदा, छोटी आंत, बड़ी आंत, मकाद। मुंह में दांत गिज़ाई अशिया को चबाकर छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील करते हैं। दांत जड़ मसूड़ों से ढकी होती हैं और इसमें कतरने वाले चबाने वाले दांत भी मौजूद होते हैं। नरम ग़िज़ा मरी के ज़रिए मैदा तक पहुंचती है। ग़िज़ा रुतुबत
हल्लक या मरी नाली शिकम पहुंचकर मेदे में खुलती है। इनमें हवा और इनसे मुंसली कालात मुसलसल दांत वगैरह छोटी आंत और बड़ी आंत मरी मुनकसम तक के आज़ा और इनसे मुतालुक गुदूद शामिल हैं। खेल खेलो, आप हमेशा खेलते खेलते जब खेलेंगे तो आपका खून दौरान होता है और हजम भी होता है, जैसे अमल हाजिमा में हिस्सा लेने वाले आज़ा के नाम पर्चियों पर लिखकर डब्बे में डालो। अपने हर एक दोस्त को एक पर्ची निकालने के लिए कहो। हर पर्ची पर लिखा गया नाम और फेल को पढ़ने के लिए कहो। इसे दोहराओ, पढ़ने में अपने मौलिम की मदद लो। मालूम कर लें अच्छी गजाई आदत, खाने से पहले खाने के बाद हाथ धो लो। मूली गाजर जैसी रेशेदार गजा खाओ, क्योंकि इसमें विटामिन्स रहते हैं। ताज़ा और सेहतमंद गजा खाओ। खाने के बाद मुंह, दांत और ज़बान साफ करो, क्योंकि मुंह में बदबू नहीं रहती। खाना आहिस्ता और चबाकर खाओ, क्योंकि खाना चबाकर खाने से हजम होने में मुश्किल नहीं होती। एक मर्तबा खाने के बाद 4 घंटे के वक्फे के बाद खाओ। मुंह में दांत गिजाई अशिया को चबाकर छोटे टुकड़ों में तब्दील करते हैं। तस्वीर में दिए गए आज़ा के नाम, इनके फेल खाली जगह में लिखो। दांत, मुंह में दांत गिजाई अशिया को चबाकर छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील करते हैं। दांत को भी हमेशा पाक व साफ रखा करो। दिन में 2 बार ब्रश करते रहो, दांत सड़ने से बच सकें। नरम गिजा मरी के जरिए मैदा तक पहुंचती है। जो गिजा हम खाते हैं वो गिजा हल्लक से उतरकर मैदा तक जा पहुंचती है। मैदे में गिजा कुछ हद तक हजम होती है। मैदे में गिजा 3 से 4 घंटों तक रहती है, इसीलिए 4 घंटे तक कोई भी चीज़ ना खाएं तो भी बेहतर होगा। हजम होने में आसानी होगी और अपने आप को बेहतर महसूस करोगे। छोटी आंत, गिजा मैदे में पहुंचकर छोटी आंत में पहुंचती है और मज़ीद हजम होती है। हजम शुदा गिजा छोटी आंत के ज़रिए खून में शामिल होकर जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुंचती है। तुम्हारा कद 3 फीट भी हो तो तुम्हारे जिस्म में हाजमी नाली 20 फीट लंबी होती है, जिसमें हल्के नुमा नालियाँ पाई जाती हैं। बड़ी आंत, गैर हजम शुदा गिजा बड़ी आंत पहुंचकर जिस्म से मकद के ज़रिए फुजले की सूरत में बाहर खारिज होती है। अमल इखराज, घरेलू सरगर्मियों से कूड़ा किरकट बनता है। ये कूड़ा किरकट हम रोज़ाना बाहर फेंकते हैं। इसी तरह हमारे जिस्म में की गैर ज़रूरी अशिया अमल हाजिमा जैसे हयातियाती आमाल से बनते हैं, उन्हें फासिद मादे कहते हैं। अमल इखराज, अगर इन फासिद मादों को जिस्म में रखा जाए तो इससे बीमारियां पैदा हो सकती हैं। इनको जिस्म जिल्द और फेफड़ों के ज़रिए खारिज करता है, उन्हें इखराजी आज़ा कहते हैं। ये आप तस्वीर में देख रहे हो। गुर्दे, पेशाब के ज़रिए जिस्म फासिद मादों को खारिज करता है। अब हम इन इखराजी अमल के मुतालुक जानेंगे जो इस तरीक़े में मददगार हैं। गुर्दे को अंग्रेज़ी में इसको किडनी और गुर्दे, दरअसल लोबे की एक शक्ल के 2 अदद इखराजी
आज़ा हैं जो खून में पैदा होते हैं। रहने वाले गैर ज़रूरी अज़ा बतूर ख़ास यूरिया को खून से अलग करके या छान कर पानी के साथ पेशाब की शक्ल में जिस्म से खारिज कर देते हैं। आप इस तस्वीर में जो बीज देख रहे हैं उसका नाम लोबे है। जैसे हम गुर्दे कहते हैं, गुर्दे की शक्ल लोबे की बीज के मानिंद होती है, ऐसा कहा जाता है। यहाँ पर दी गई तस्वीर पर गौर करो, इसमें मौजूद हिस्सों के नाम यहाँ पर लिखो, गुर्दे, पेशाब की नाली, मसाना और इखराजी नाली। रीढ़ की हड्डी के दोनों जानिब एक जोड़ी गुर्दे होते हैं। यहाँ पर आप जो तस्वीर देख रहे हो, दरमियान में रीढ़ की हड्डी है जो आजू बाजू उसके गुर्दे की शक्ल नज़र आ रही है। गुर्दे खून की तख्तीर करते हैं, खून में पाए जाने वाले फासिद मादों को अलग करते हैं। ये फासिद मादे पेशाब की नाली के ज़रिए मसाने तक पहुँचते हैं। यहाँ से फासिद मादे पेशाब की सूरत में ये इखराजी नाली के ज़रिए जिस्म से खारिज होते हैं। दर्जे ज़ेल सवालात के जवाबात यहाँ पर आप अपने नोटबुक में लिखें। सवाल नंबर एक, जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करने वाला अज़ू कौन सा है? जवाब, फेफड़े। जो फासिद मादों को जिस्म से पसीने की सूरत में खारिज करने वाला अज़ू कौन सा है? जवाब, जिल्द। सवाल नंबर तीन, फासिद मादों को जिस्म से माया की सूरत में खारिज करने वाला अज़ू कौन सा है? जवाब, यहाँ पर फासिद मादे पेशाब की सूरत में इखराजी नाली के ज़रिए जिस्म से खारिज होते हैं। मालूम कर लें, याद रखें, हस्बे ज़रूरत पेशाब खारिज करो, क्योंकि पेशाब को रोकने से गुर्दे ख़राब होने के इम्कानात हो सकते हैं। इसीलिए वक्त पर पेशाब खारिज करो, पेशाब आने पर मत रोको। रोज़ाना गुसूल करो, साफ़ कपड़े पहनो, ताकि रोज़ाना गुसूल करने से जिस्म में फैले जरासीम जिस्म को ढके होते हैं तो वो गुसूल करने से पाक हो जाते हैं और बीमारियों से दूर रहते हैं। साफ़ कपड़े पहना करो, क्योंकि साफ़ कपड़े पहनने से गंदगी दूर हो जाती है। रोज़ाना मैले कपड़ों पर रोज़ाना जरासीम बैठे हुए होते हैं, तो जब साफ़ कपड़े पहनने से बीमारियां दूर हो जाती हैं। गुसूल से फासिद मादे धुल जाते हैं, जिल्द साफ होती है और पसीने से सुराख अच्छी तरह खुल जाते हैं, क्योंकि रोज़ाना नहाने से जिस्म पाक हो जाते हैं, जबकि जिल्द पर जिस्म के जो सुराख होते हैं वो जराशीम से ढके होते हैं, तो जब नहाते हैं तो पाक और साफ हो जाते हैं। अगर हम नहीं नहाते तो हमारे जिस्म के अंदर जाकर खून में मिल जाते हैं और कभी कभार बीमारी होने के शिकार हो जाते हैं। इसीलिए रोज़ाना अपने जिस्म को पाक और साफ रखने की कोशिश करें। रोज़ाना 2 लीटर पानी पियो, इससे पसीना और पेशाब के ज़रिए फासिद मादे जिस्म से खारिज होते हैं। ज़्यादा पानी पीने से खून ताज़ा होता है और गुर्दे भी साफ रहते हैं। तनफ्फुस, दौरान खून, अमल इखराज और अमल हाजिमा जैसे अफ़ाल करने वाला हमारा जिस्म हैरत अंगेज मशीन की मानिंद है। मालूम कर लें और याद रखें, वक्त पर ग़िज़ा खाओ और हस्बे ज़रूरत फजूल मादों का इखराज करो, क्योंकि जब वक्त पर खाना खाते हो तो हज़म करना भी बहुत ज़रूरी है, वरना बदहज़मी की शिकायत हो जाती है तो इंसान को तकलीफ़ महसूस होती है। रोज़ाना खेलो, खेल खेलो, वर्जिश करो, चहल कदमी की आदत डालो,
क्योंकि बदहजम की शिकायत नहीं रहती। इंसान फिटनेस यानी तंदुरुस्त महसूस करता है। सेहतमंद गजा खाओ, तली हुई अशिया और मीठे से परहेज करो। ऐसी गजा हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह है, बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। ज़्यादा ना खाएं। रोज़ाना गुसूल करो, जिस्म को पाक व साफ रखो क्योंकि बीमारियों से बच सकें। हमेशा पाक व साफ रहने की कोशिश करो। रोज़ाना धुले हुए साफ कपड़े पहनो क्योंकि पाकी आधा ईमान है। दूसरी बात, बीमारियों से दूर रहने की आदत पड़ जाती है और बीमारियां भी नहीं होती। मालूम कर लें और याद रखें, तुम्हारे जिस्म में 206 हड्डियां हैं, 600 से ज़्यादा हड्डियों के जोड़ हैं। तुम्हारा खत 3 फीट भी हो तो तुम्हारे जिस्म में हाजमी नाली 20 फीट लंबी होती है, जिसमें हल्के नुमा नालियाँ पाई जाती हैं। हमारा दिल तकरीबन 70 मरतबा फी मिनट धड़कता है। दिन में 1 लाख मरतबा दिल धड़कता है। फेफड़ों में तकरीबन 3 लीटर हवा भरी रहती है। इंसानी जिस्म में तकरीबन 5.5 लीटर खून पाया जाता है। एक मरतबा खून देने के बाद दोबारा जिस्म में खून बनता है। इसके लिए 4 से 5 हफ्ते दरकार है। चलो बच्चों, आज तक हमने इस सबक की पूरी तरह से पूरा मज़मून यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं। तो आपने जितना आपने देखा और सुना है तो इसको अपने नोटबुकों में दर्ज कर लें, इनकी आदतों पर अमल करें और अच्छी आदत की ख़ास आदत पर अमल करें। और आगे चलकर आप भी जब रास्ते में चलते हो, घरों के आसपास होते हो तो पाक और सफाई का ख्याल रखें। तो जब तक के लिए हम आज इस टॉपिक को यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। जब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. ಯೆಸ್ ಸರ್. ಯೆಸ್ ಟೀಚರ್. ದ ಸೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಮ್.